चलिए मैडम। अच्छा सॉरी ये कर लेते हैं। चौथा मैडम चलिए सर, आज की मैडम आज की शाम आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आपको तो उन्होंने नर्वस कर ही दिया, मुझे भी नर्वस कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये पावर है इनका। बाप रे बाप। नहीं नहीं, आज की ये शाम वैसे देखिए, हम सब जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाली हैं, लेकिन मेरा जन्म सब कुछ मुंबई में ही हुआ है, लेकिन मेरे दिल के बहुत ही करीब के कुछ ऐसे म्यूजिशियंस, कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ आए हैं, तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। प्रचंदा जिनके साथ बहुत, उनके बेटे के साथ, उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं कलकत्ता में, देश विदेश में, और ऑफकोर्स शौविक जी जिन्होंने पूरा एल्बम क्रिएट किया है, तो बहुत ही एक बंगाल यानी म्यूज़िक, बंगाल यानी संगीत के साथ एक संगीत तो पूरे देश में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल जब भी कुछ करता है तो संगीत के साथ ही उस चीज़ की आरंभ होती है, उसकी प्रारंभ होती है। तो इस तरह से एक एल्बम बना है जो बंगाल जो इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ बीजेपी की तरफ से ये एल्बम म्यूज़िकली एक ट्रिब्यूट है, तो मैं बहुत उत्सुकता से आया हूँ, इसे सुनना है। बहुत कमाल कमाल के आर्टिस्ट हैं, राशिद खान साहब जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, शौविक जी खुद हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एल्बम को सुनना है, और साथ साथ बस इलेक्शंस जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत ही पीसफुली हो और लोग बड़े तादाद में आए और इस मुहिम से जुड़े, बस यही सबको मेरा शुभकामना है। वैसे मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन संगीत है तो जुड़ना तो बनता ही है। मैडम थैंक यू सो मच।